जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। बार मेरे पापा मछली पकड़ रहे थे। तुम सुन रहे हो ना मोगली? हाँ बलू। कहाँ था मैं? अरे हाँ, तमाम कोशिशों के बावजूद पूरी मेहनत करने पर भी अगर आपको रास्ता ना दिखे तो वहीं सो जाए? नहीं, कभी नहीं। मैंने तुम्हें ऐसी सीख दी। बलू, थोड़ी देर बक बक बंद करोगे? मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे पापा को 5 दिनों तक एक भी मछली नहीं दिखी, पर छठे दिन। बल्लू, जाओ पानी में डुबकी लगा कर आओ। तुम्हें मेरी कहानी पसंद नहीं? पसंद है, पर हर रोज नहीं बल्लू। चलो दोस्तों, ड्राइविंग कंपटीशन करते हैं। देखो मोगली, मुझे पानी में जाने से बहुत नफरत है। तुमने तो पहले ही हार मान ली बघीरा। मैं तो जा रहा हूँ। ये मैं गया। ज्यादा दूर मत जाना मोगली। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी बलू। क्या छलांग थी, फुल पॉइंट मिले ना। मोगली मोगली, ये मोगली भी ना, जरूर कोई नई शरारत होगी। घबराना मत मोगली, मैं आ रहा हूँ। ज्यादा हिम्मत इंसानी बच्चे, चोट कम लगेगी। बघीरा! मोगली! बघीरा! बघीरा! मोगली! ओ मोगली, बघीरा भी डूब गया। बलू, मोगली कहाँ है? कहीं वो? अरे नहीं, वो जिंदा है, पर वो दलदल की तरफ गया है। हमें जल्दी जाना होगा। आज मुझे रोकना मत बघीरा, मैं उस मगरमच्छ के बच्चे को निचोड़ कर रख दूंगा, उसके दांत निकालकर बूढ़ा बना दूंगा उसे। हम दलदल में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम वहाँ बुरी तरह फंस जाएंगे। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हमें एक प्लान चाहिए, किसी की मदद। बलू, तुम मुझे खाने वाले हो क्या? नहीं, पता नहीं सब ऐसा क्यों सोचते हैं कि मगरमच्छ इंसान खाते हैं। पूरी दुनिया में मैं ऐसे ही बदनाम हूँ। तुम शायद खाते हो इसलिए बदनाम हो। पर आज नहीं, आज तो तुम मेरे खास मेहमान हो। मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम क्या? किया है। खाना? जल्दी जाओ और जल्दी आओ बघीरा। हाँ पूरी कोशिश करूंगा। और याद रहे बलू, वो जकाला कुछ भी कहे, दल दल में बिल्कुल मत जाना। अपने घर का मजा ही अलग है। तुमने तो कहा था मेरे लिए खाना बनाया है। बिल्कुल बनाया है। ओह, बताना भूल गया, वो खाना तुम हो। पर तुमने तो कहा था तुम मुझे खाओगे नहीं। हाँ किया था, पर मेरे मेहमान तो खा सकते हैं ना। मेरे 5 बेटे, उन्हें जिंदा शिकार पकड़ने की प्रैक्टिस करवानी है। Ah!
बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज मोगली को कुछ हो गया तो मैं ये कीचड़ कितना चिपचिपा होता है ना। ओह, बच्चों से मिलवाना तो भूल ही गया। ये है बाइटर, मेरा बड़ा बेटा, ग्रैबा, चौंपा, गजल गस्ट्स, और ये है कॉलिन, सबसे छुटकू। मोगली, मोगली, तुम ठीक तो हो? यहाँ फंस गया हूँ। चकाला मुझे यहाँ बच्चों के शिकार प्रैक्टिस के लिए लाया है। अच्छा, इसके बदले मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, पता है मेरी मोटी चमड़ी बहुत काम आती है, पर तुम्हारे नहीं आएगी। काम नहीं आएगी? एक बार हाथ तो आ जाए, तेरी इतनी धुलाई करूंगा, चमड़ी ही साफ कर दूंगा। हाँ तो ठीक है, आ जाओ मैदान में, खेल शुरू करते हैं। रुक जाओ बलू, कीचड़ में मत आना। ये तुमने गलत किया जकाला, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे कोई सजा नहीं देता, कोई पैदा ही नहीं हुआ। फिक्र मत करो, बघीरा आता ही होगा। और जब कोई होगा तो उस पर मैं कहानी लिख दूंगा। अच्छा, कहानी है? अरे बलू, तुमने एक कहानी सुनाई थी ना, जिसमें मगरमच्छ के पास छोटे बच्चे होते हैं। कौन सी? अरे भूल गए, एक बार की बात थी। एक दलदल में 5 मगरमच्छ रहते थे और उनके नाम थे बाइटर, ग्राबा, चौंपा, गजलगज और कॉलिन। फिर आगे क्या हुआ था बलू? हाँ, याद आ गई वो कहानी। उनमें से एक बच्चा बड़ा तेज था और एक तो बहुत सीधा साधा था। वो तो तुम होंगे चंपा। इनकी मत सुनो बच्चों। चलो तुम्हारा शिकार का लेसन शुरू किया जाए। नहीं, हमें कहानी सुननी है। जो हमारे कहानी सुननी है। चलो चलो कहानी सुनाओ। तो ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों, कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों कहाँ जा रहे हो? ठीक है तो मैं शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, छोटू कॉलिन को बहुत भूख लगी थी। हाँ, उसे भी लगती है। उसे तो हमेशा लगती है। तो वो कहता है चलो मछली पकड़ने जाते हैं। वो तैरते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और फिर रास्ते में वो देखता है कि वो सिर्फ 4 ही बचे हैं, फिर 3 और फिर 2 और फिर वो अकेला। आखिर हुआ क्या था? हम कहाँ चले गए थे? बस बस करो, बहुत हुआ कहानी कहानी, चलो वापस आओ बच्चों। थोड़ा सा उसके बाद लेसन लेंगे प्लीज। सिर्फ 2 मिनट्स लेना, फिर हम काम पे चलेंगे। पर उस पानी में रहता था एक बड़े बाल वाला भूखा शैतान, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। और तेज धार वाले दांत। बहुत हुआ, चलो ट्रेनिंग शुरू करो, अभी आओ तुम लोग। आगे बढ़ो और एक बार में ही इसका सफाया कर दो, एक हड्डी भी मत छोड़ो। बचो ध्यान से। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो आना ही था ना मोगली मेरे दोस्त, चलो ऊपर आ जाओ। अभी आता हूँ दोस्त के बच्चे। बड़े इतरा रहे हो जकाला। थोड़ा आगे आओ। कोशिश कर रहा हूँ। ये पकड़ो हाथी। वाह क्या बात है मोगली। पापा, वो शैतान कहाँ चला गया? और आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं पापा? अगले बार इंद्राणी बच्चे तुझे मैं ही खाऊंगा। पापा।
शुक्रिया हाथी। दोस्ती में कैसा शुक्रिया। पर ये तो बताओ मोगली, तुमने इन मगरमच्छों को इतनी देर तक कैसे उलझाए रखा? उन्हें एक पकाओ कहानी सुनाकर। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कहानी पकाओ थी? क्योंकि मेरे टीचर ने सुनाई थी ना। आजकल के बच्चे पता नहीं बड़ों की इज्जत करना कब सीखेंगे। वैसे आज के दिन मैंने कुछ ज्यादा काम तो नहीं किया, पर शुरू मैंने शुरू ही कहा किया है।